रेप से कवर कर लो। नमस्कार बहन भाइयों, रूबी गर्ग जी और साथ में शशि भूषण गर्ग जी आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल सुपर इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। हम लेके आए हैं आपको आज सेक्टर 18 नोएडा में, यह दिखाने के लिए कि एक सेक्टर है पूरे नोएडा में जो नोएडा को संभाल रहा है, जिसमें आपको सुई से लेकर जहाज मिल जाएगा। और ग्रेटर नोएडा में जो तरक्की नहीं आई उसका कारण यही है कि वहां पे एक भी सेक्टर नहीं है। देख रहे हैं अब बारिश होके निपटी है तो भी यहाँ पर कितनी चहल पहल है, कितनी रौनक है, कितनी कारें हैं, ये आप चारों तरफ अच्छे से देख सकते हैं। लोगों का आवागमन, यहाँ का हेल्दी एनवायरनमेंट, पूरी पार्किंग फुल है, प्रॉपर देख रहे हैं आप, पार्किंग पूरी फुल है, पार्किंग का हाई रेट है 50 रुपए, तब भी फुल है, तो भी फुल है। और ग्रेटर नोएडा तो पूरा खाली पड़ा है, जबकि आप ग्रेटर नोएडा की हालत देखेंगे तो वहाँ तो कार ही क्या, कुछ भी आप खड़ा कर लो। एक अल्फा कमर्शियल बेल्ट है, वहाँ पे डीलर बैठे हैं और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपने ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा है, पर यहाँ जैसे कमर्शियली आप देख रहे हैं लोगों के पास बिजनेस भी है, शॉप्स में भीड़ भी है, और वो चीज़ें आपको ग्रेटर नोएडा में नहीं मिलेंगी। ये हमारा सेक्टर 18 है, देखिए यहाँ पर गलत पार्किंग करने पर कार टो भी हो जाती है। भैया कितने ज्वेलर हैं ग्रेटर नोएडा में, एक दुकान है बस ज्वेलरी की, सिर्फ ओनली एक दुकान है, एक से एक आपको एवन आपको सारे ज्वेलर्स यहाँ मिल जाएंगे, कल्याण ज्वेलर है, कल्याण ARM सारे आपको ज्वेलर मिल जाएंगे, जबकि आपको ये चीजें गुड़गांव ग्रेटर नोएडा में देखने को नहीं मिलेगी। गुड़गांव में बहुत कमर्शियल सेक्टर है, सेक्टर 14 है, 32 की मार्केट है, तो पर यहाँ पे यही दिक्कत है। यहाँ तो इन्होंने दुखी होके पार्किंग का रेट 50 रुपए कर दिया, क्या करें, इतने लोग आ रहे थे यहाँ जाम लग जाता था उससे बचने के लिए। अब ग्रेटर नोएडा में फ्री है, कोई पार्किंग है ही नहीं पूरे शहर में, कहीं गाड़ी लगाओ। हम आपको एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा का, कि नोएडा में जो हालत है वो भी ग्रेटर नोएडा में नहीं है। देखो वहाँ एक हल्दीराम है, खाली पड़ा रहता है, हम हल्दीराम में गए, हल्दीराम भरा हुआ था, अब ये हल्दीराम से बाहर आ रहे हैं, हल्दीराम बिल्कुल ऐसे भरा हुआ था ठसाठस। ऊपर भी देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो भी आपको हल्दीराम में सारे लोग बैठे हुए मिलेंगे। देखिए हल्दीराम में सारी टेबल्स भरी हुई हैं, एक हमारा ग्रेटर नोएडा का हल्दीराम देख लीजिए कि वहाँ पर सारी टेबल्स खाली मिलेंगी आपको। शनिवार संडे को 2-4 पंछी मिल जाएंगे, पंछी 2-4 पंछी मिल जाएंगे सैटरडे संडे को बस, जबकि आज देख लीजिए वर्किंग डे ही है। तो इतना फर्क है यहाँ के ग्रेटर नोएडा और नोएडा, शहर को गति वहाँ का बिजनेस देता है, जब तक उस शहर में बिजनेस नहीं है शहर नहीं चल सकता। आप एक प्लॉट को पकड़ो, ये 1000-1000 मीटर के प्लॉट है, एक प्लॉट के अंदर 10-10 ऑफिस चल रहे हैं, जैसे सामने पूरा नीचे ये तो हिंदवेयर है, ऊपर जगवार है, ऊपर कोटक बैंक है, ऊपर इनकी हिंदवेयर की गैलरी है, मतलब एक ही जगह में कितना कुछ है, मतलब ये इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें हजारों प्लॉट है, हर एक प्लॉट की अलग कहानी है। ये चीज होती है जो शहर को चलाती है, ये सेक्टर 18 कहने को आपको ऐसे लग रहा होगा पूरा शहर है अपने आप में एक समाहित पूरा शहर है ये, अगर आप देखेंगे तो। देखिए चारों तरफ आपको बढ़िया व्यू, बढ़िया पब्लिक, सब कुछ मिलेगा। स्टोर 18 के एक से एक बड़ा बड़ा शोरूम यहाँ दिख जाएगा, सामने मेट्रो जाती है। आपको किसी जगह की वैल्यूएशन करनी है तो वहाँ देखो कि ज्वेलरी की कितनी दुकानें हैं, एक बड़ा फंडा है। जो छोटे टाउन में जाओ, हर किसी छोटे टाउन में, जैसे गुड़गांव में गोल्ड सूख खुल गया, यहाँ खुल जाए तो पता चला सारे उठ गए शाम को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो ये हम एक कंपेयर दिखा रहे हैं आपको कि ये शहर दिल्ली की तरह रनिंग हो गया है, नोएडा जिसे कहते हैं पूरी तरह से विकसित, पूरी तरह से विकसित। यहाँ रेड लाइटें हैं, ग्रेटर नोएडा में रेड लाइटें नहीं है, देखो रेड लाइटों पे जाम है, तो ये पूरा विकसित शहर है, जबकि अभी ग्रेटर नोएडा में ये सब कुछ चीजें भी आनी है। अभी वहाँ टाइम लगेगा, अभी ये नहीं कह सकते कि तुरंत आ जाएंगी या आ रही हैं, टाइम लगेगा। तो रेड लाइट ग्रीन हो रही है, पोल्यूशन भी है वहाँ, पोल्यूशन नहीं है, तभी मैं कहता हूँ कि अगर 70 साल से ऊपर हो तो तुरंत आ जाओ, नहीं तो फिर जय श्री राम। ठीक है जी, ये अंतर होता है, यहाँ तो सब जगह भीड़ भड़क्का ही है, कहीं चले जाओ सब जगह भीड़ भड़क्का, धक्का मुक्की धक्का मुक्की। ये अट्टा मार्केट आ गई, अट्टा में भी पूरा फट्टा चल रहा है।
ठीक है जी। ये यहाँ की काफी पॉपुलर और फेमस मार्केट है अट्टा मार्केट। अट्टा मार्केट, अट्टा मार्केट। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड, देखिए जी बोर्ड लगा हुआ है अट्टा मार्केट का। मैं हूँ खुश रंग अट्टा प्यारा शानदार अट्टा। देखो भाइयों, आप लोग कहते हैं यार गुड़गांव के बारे में आप बोलते हो अच्छा, दिल्ली के बारे में अच्छा बोलते हो, ग्रेटर नोएडा भी दिखाओ ना सेक्टर कहाँ, ग्रेटर नोएडा में एक भी कमर्शियल सेक्टर। कोई एक अल्फा कमर्शियल बेल्ट खोल ली, चार डीलर बैठ गए तो क्या तुम्हारा शहर कामयाब हो गया? या जगत फार्म में दुकानें 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 दुकानें, पार्किंग है नहीं तो लठ बजाओ। तो ये सोच विचार करके पैसा इन्वेस्ट करो, कहीं भी करना है। हम आपको कंपेयर चार्ट ला रहे हैं, ऐसी प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।